बैठो बाबू जी बैठो। अरे ओ कलुआ जी मालिक, जरा दो चाय देना इधर। अभी लाया। जल्दी कर जल्दी। क्या हुआ? हाँ? कुछ कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? पूजा बिटिया, आजकल परदेसी बाबू नजर नहीं आते, वापस लौट गए क्या? नहीं तो। पूजा, ये किसकी बात कर रहे हैं? अमन की। क्या ये अमन को जानते हैं? अजी साहब बहादुर, हम सारी दुनिया भूल सकते हैं लेकिन ऐसा ग्राहक नहीं भूल सकते। वो अक्सर यहाँ आते थे और अपना वक्त बिताते थे और हमारे धंधे को चार चांद लगा देते थे। वो कैसे? वो ऐसे चाय इधर नजर उधर, चाय इधर नजर उधर, और बिल 30 रुपया चार आने। क्यों पूजा बिटिया? लेकिन तुम क्यों हंस रही हो? वो क्या हुआ, जब ये बात मुझे काका से मालूम पड़ी तो मैं अमन की खबर लेने सीधा यहाँ चली आई। लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे बारे में जिक्र किया कि तुम उन्हीं के शहर के हो, उनके रोज के मिलने वालों में से हो, तो मेरा गुस्सा एकदम गायब हो गया। और तो और, उन्होंने तुम्हारा जिक्र भी यही किया था और तुमसे मिलवाने का वादा भी यही किया था। अमन अक्सर यहाँ बैठकर पूजा की दुकान की तरफ क्यों देखते रहता था? जहां तक मेरा ख्याल है, अमन किसी सागर नाम के शायर को जानता ही नहीं, और अगर जानता होता तो ये राज अपने जिगरी दोस्त से कभी न छुपाता। बारिश तो रुकने दो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अगर और देर हो जाएगी तो गजब हो जाएगा। सागर साहब आदाब, नाचीज आपसे अपना तारुफ खुद करवाती है।
नाम है पूजा, उटी के विल्सन कॉलेज में पढ़ती हूँ। आपकी शेर व शायरी की मुरीद हूँ। अक्सर सहेलियों को आपका कलाम पढ़कर सुनाती हूँ। सुनकर जब आपकी तारीफ करती हैं तो दिल खुशी से झूम उठता है। जनाब सागर साहब, आज आपकी नज़म गाकर जो शोहरत हासिल हुई उसके असली हकदार आप हैं, क्योंकि ये आपके ही अनमोल खजाने में से थी। इनाम लेते हुए खींची गई तस्वीर की कटिंग भेज रही हूँ, और आपके लिए एक तोहफा। हुजूर अमन साहब और सागर अनीस का सलाम, कामयाबी पर कामयाबी मुबारक हो। आपका लिखा हुआ नया एडिशन तूफान सागर खूब जोर शोर के साथ बिक रहा है, जिसकी सारी रॉयल्टी आपके हुक्म के मुताबिक मैं फादर डिमेलो के स्कूल में बावक पहुंचा देता हूं। आपका हमराज अनीस। सकता है तुम इस हकीकत को जानने के बाद मुझे कभी माफ ना करो तो सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाना, और अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं समझूंगा तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है। अब मेरी समझ में आया कि पूजा मुझे आज तक सागर क्यों समझती रही।